नमस्कार, आपका राजधानी समाचार देखने के लिए आज हम खिलचीपुर नगर में खड़े हैं और यहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं उनका यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया है। पहले तो यहाँ भूमि पूजन का आयोजन, दूसरे दिन कलश यात्रा, तीसरे दिन आज देव दरबार सजाया गया है। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु गण आए हैं और कोई अपनी अर्जी लगा रहा है, बहुत सारे लोगों की अर्जी लग भी चुकी है। भैया लोगों से पूछना चाहेंगे कि वो यहाँ अर्जी लगाने आए हैं कि वैसे ही बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं, उनके दर्शन करने आए। पहले तो सर अपना नाम बताएं। मैं मिस्टर KR मालवी और मैं छापेड़ा से आया हूँ और मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए आया था असल में। और दर्शन तो दूर से हो गए, पास से तो नहीं हो पाए हैं, पर दूर से दर्शन जरूर हो पाए हैं। आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल। प्रशासन की इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि मतलब मैं संतुष्ट हूँ। मतलब ये अपना नाम बताएं, आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मेरा नाम धर्मेंद्र सोनी है, मैं भी छापेड़ा से आया हूँ और मुझे यहाँ की व्यवस्था देखकर बहुत मन प्रसन्न हुआ है और ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये खिलचीपुर वासियों के लिए बहुत ऐतिहासिक रहेगा और हमेशा अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहें तो यहाँ की धरती बिल्कुल वास्तव में धन्य हो जाएगी। और मेरा एक लक्ष्य भी है कि आज मैं जो यहाँ आया हूँ इसके बाद मेरा मन ये कह रहा है कि कल मैं छापेड़ा से पैदल ही आऊँगा खिलचीपुर तक। 21 किलोमीटर की मेरी यात्रा है, मैं सुबह 6 बजे से आऊँगा। अब वो भगवान ही मेरे को इच्छा देंगे कि कब तक चलना है कब तक नहीं चलना है। दरबार में श्री बागेश्वर धाम की जय हो। तो भैया ने कहा कि वो छापेड़ा से लेके तो खिलचीपुर तक की पैदल यात्रा करेंगे और पैदल यात्रा करेंगे तो बाबा बागेश्वर धाम के यहाँ दर्शन वापस पुनः कल करने के लिए आएंगे। और बागेश्वर धाम का जो यहाँ पहली बार आयोजन किया गया है राजगढ़ जिले के लिए हर्ष और उल्लास और आशीर्वाद का विषय है। और आशीर्वाद का विषय है तो सभी पे बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई तो यहाँ प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ऐसा ही असीम कृपा राजगढ़ जिले पे और खामखेड़ा बालाजी की यहाँ बनी रहे तो आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहें। और शासन प्रशासन की भी यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सब अपनी अपनी ड्यूटी अपनी अपनी जगह पे करते आ रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य को लेकर भैया से भी चर्चा करना चाहेंगे कि भैया पहले तो अपना नाम बताएं, मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मांगीलाल सेन है और मैं खाताखेड़ी से आया हूँ। और आते आते हमने सोचा कि दिव्य दरबार में हमारी अर्जी लगे तो यहाँ तो पब्लिक बहुत भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई है और दरबार के दर्शन हमें दूर से ही हुए हैं। और ये कामना मेरी भी है कि हम जैसे अभी भैया ने बोला थोड़ी देर पहले, हमारे सोनी जी है धर्मेंद्र पेंटर छापेड़ा से, तो कल की हमारा ये मन हुआ कि कल हम पैदल ही आएंगे यहाँ पर झंडा लेकर बालाजी के दरबार में अर्जी लगाने, जो भी इच्छा हमारी वो सुने। और यही से अर्जी अपनी तो के पैदल आएंगे और दिव्य दरबार में खिलची पर आकर और झंडा उनको यहाँ पे विसर्जन करेंगे। तो भैया का कहना है, अभी हमारी सेन साहब से चर्चा हुई और सेन साहब ने बताया कि वो गांव से पैदल यात्रा कर कर और बालाजी महाराज का झंडा लेकर यहाँ स्टूडियो तक आएंगे जहाँ गुरु जी की स्टेज बनी हुई है। इसी उपलक्ष्य को लेकर भैया से भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ से आए हैं ये बताएं। जी सर, मेरा नाम अभिषेक सक्सेना है, मैं ब्यावरा से आया हूँ। बढ़िया है व्यवस्था वगैरह, सब ऐतिहासिक दृश्य चल रहा है सर, बहुत ही बढ़िया अनुभव हो रहा है। आपके अनुमान से यहाँ कितनी पब्लिक होगी? सर अनुमान तो नहीं लगा सकते, पर यह है कि मिनिमम हो गए अब चार लाख तक तो है समथिंग। तो या 4 से 5 लाख के समथिंग या भीड़ इकट्ठी है और आसपास से सभी कोई पैदल आए हैं, कोई कैसे आए हैं कोई कैसे आए, और बहुत सारे लोगों को तो 5-5, 7-7 किलोमीटर बाहरी गाड़ियां लगवा दी गई है। और गाड़ियां भी यहाँ बहुत ही मुश्किल से बहुत सारे बैरिकेड पार करने के बाद में जो जल्दी आ गए हैं वो यहाँ गुरु जी के दरबार तक पहुँचे हैं या पांडाल तक पहुँचे हैं। और बहुत सारे लोगों की तो गाड़ियाँ भी 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पे पैदल जाना है और बहुत ही दूर दूर से यहाँ लोग पधर रहे हैं। कोई झालावाड़ से आया है, कोई जयपुर से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई विदिशा से। भाई साहब पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम कैलाश चंद्र नामदेव, मैं छापेड़ा से आया हूँ और यहाँ दिव्य दरबार में अर्जी लगाने आए थे, लेकिन भीड़ ज़्यादा है, अर्जी कहाँ लगेगी। लेकिन हमने तो उनसे प्रार्थना कर ली है कि हम आपके प्रांगण में आ गए, हमारी अर्जी आपके यहाँ लग चुकी है, जब भी दोबारा मौका मिलेगा आप हमें बुलाएंगे, ऐसा विश्वास हमें है। और जो यहाँ प्रोग्राम करवा रहे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद है, साधुवाद है उनको जिन्हें इतनी पब्लिक को एक जगह इकट्ठा किया और धार्मिक आयोजन रखा है और सबको एक सूत्र में बांधा है।
तो यहाँ सभी को, यहाँ 4 से 5 लाख पब्लिक है और ना तो कोई बिल्कुल व्यवस्थित है और सभी अपने अपने हिसाब से कोई क्या कर रहा है, कोई प्रवचन सुन रहा है, कोई घूम रहा है फिर रहा है, सभी अपने अपनी मस्ती में मस्त है और बालाजी की असीम कृपा उनके ऊपर पर बनी रहे ऐसी कामना और विश्वास के साथ में आगे भी आप राजधानी समाचार के साथ में जुड़े रहिए। जय मध्य प्रदेश, जय खेतीपुर और जय राजगढ़। जय बागेश्वर। धन्यवाद। जय बागेश्वर राम। नमस्कार, आपका राजधानी समाचार देखने के लिए पहले तो हम भैया से उनका परिचय पूछेंगे और भैया ने बहुत ही बागेश्वर धाम के जो गुरुजी है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है और गुरुजी को सप्रेम भेंट करने के लिए यहाँ युवा हुआ और उनके साथीगण पधारे हैं। पहले तो अपना नाम बताएँ। मेरा नाम रोहित सोनी है और ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, 3 दिन लगे इसमें और जैसे बहुत साल की मेहनत के बाद इतनी अच्छी तरीके से बनने लगी है और बस यही अर्जी है कि बस एक बार मुलाकात हो जाए बाबा से यहाँ दरबार में। बस भैया आप कहाँ से हो ये बताएं। मैं खिलचीपुर से ही हूँ और गांव मेरा कल्लू खेड़ी है। कल्लू खेड़ी? हाँ कल्लू खेड़ी। सोनी परिवार से? हाँ सोनी परिवार। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम महेश जी सोनी। महेश जी सोनी, आपने पेंटिंग का शौक आपको कब से? मेरे को बचपन से ही है ये। मैं स्कूल से पहले आपने किन किन लोगों की पेंटिंग बनी? मैंने बहुत सारों की बनाई है, मतलब जो आर्ट रहते हैं जैसे फ्रेंड्स वगैरह परिवार में इन सब की मतलब बनाई है मैंने, मम्मी पापा की बनाई है। तो ये आपको गुरुजी तक कैसे पहुँचाएंगे? ये कोशिश जारी है पर अब आगे जाने नहीं दे रहे हमको, अंदर पंडाल में जाने नहीं दे रहे। तो भैया ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है, सोनी जी है। पहले तो अपना नाम क्या था आपका? रोहित। रोहित जी सोनी ने बहुत ही अच्छी गुरुजी की जो बागेश्वर धाम के मठाधीश है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो यहाँ हनुमत कथा कर रहे हैं, पहले यहाँ भूमि पूजन किया, फिर कलश यात्रा और फिर आज देव दरबार सजा गया और फिर 4 बजे से यहाँ कथा का आयोजन किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से हम भी यह संदेश देना चाहेंगे कि भैया की पेंटिंग गुरु महाराज तक पहुँचे, यही आशा और मनसा और विश्वास के साथ में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।